नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा, तो आज का जो वीडियो है जो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को आपको ना फुल वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको ले चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इसे वीडियो को एडिट करने के लिए ना आपको दो एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, एक है आपका पिक्सलैब एंड दूसरा हो गया आपका लाइट मोशन। तो सबसे पहले आप मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पिक्सलैब को ओपन करना है, देन आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए ऊपर में जो थ्री डॉट का जो आइकन है, आपको थ्री डॉट के आइकन पे टैप करके इमेज साइज, यहाँ पे देखिए जो इमेज साइज है, आपको इमेज साइज पे टैप करना है। देन आपको हाइट को ना आपको 2000 तक रख लेना, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको देखिए फिर से यहाँ पे प्लस का आइकन है, आपको प्लस के आइकन पे टैप करना है, टेस्ट में जाना है, न्यू टेस्ट को होल्ड करके नीचे लाना, जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, जैसे ब्रदर ब्रदर तो ब्रदर का बी लिखना है आपको। देखिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है, जैसे सिस्टर लिखना है तो सिस्टर का फर्स्ट लेटर वो आपको लिखना है, तो जैसे मैं ब्रदर का फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ बी, देन ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस वाले लेयर पे सॉरी आइकन पे टाइप करना है एंड आपको फॉन्ट वाले आइकन पे आना है। इस पे फॉन्ट वाले आइकन पे आने के बाद यहाँ पे इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फॉन्ट वाले आइकन पे आने के बाद माय फॉन्ट में जाना है। यहाँ पे देखिए माय फॉन्ट है, माय फॉन्ट में क्या होता है कि आपने जो फाइल मैनेजर में आपका जो फाइल मैनेजर में फॉन्ट है जो आपने क्रोम ब्राउजर या कहीं से डाउनलोड किया है फॉन्ट, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट अलग से जो फॉन्ट आप डाउनलोड करते हो जो माय फॉन्ट में आ जाता है इसमें। तो इसमें देखिए मैंने एक फॉन्ट ऐड कर रखा है पहले से ही, ये फॉन्ट क्या नाम है उसका, आखिर ताहुन ऐसे करके उस नाम है, ये देखिए आखिर ताहुन। सबसे पहले इससे फॉन्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, देन आपको पिक्सलैब में ऐड करना है, देन उसके बाद आपको करना क्या है ओके पे क्लिक करना एंड इसमें ना साइज को आपको इस तरीके से इंक्रीज करके इस तरीके से आपको कर लेना है, चाहो तो थोड़ा सा और भी कमी से आप अपने अनुसार आपको इसे रख लेना, देन आपको ओके पे क्लिक करना। अब आप में इसमें कलर में जाना है, देखिए यहाँ पे जो कलर का बॉक्स है आपको कलर वाले बॉक्स पे टैप करना है एंड आपको रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि आप रेड ही सिलेक्ट करो, मैं सजेस्ट करना वैसे रेड यहाँ पे सही लगेगा, आप चाहो तो ग्रीन येलो एंड ग्रीन और फिर ब्लैक भी है, लेकिन आपको व्हाइट नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि जो व्हाइट रहता है बैकग्राउंड होगा व्हाइट ना आपका, तो व्हाइट बैकग्राउंड पे आप किसी भी कलर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे चाहो तो आप ना स्ट्रोक भी इनेबल इस तरीके से कर सकते हो, स्ट्रोक इनेबल हो गया सही है, शैडो भी इनेबल कर सकते हो। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है ना कि इससे इस जो आपने बी लिखा है आपको इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी इस पे जो आइकन कॉपी का आइकन पे टैप करके कॉपी करना है, देन आपको इसे दो बार टैप करके इसे यहाँ पे लिख लेना है ब्रदर के बाद जो वर्ड बचते हैं आपको यहाँ पे लिखना है, उस देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो साइज थोड़ा ज़्यादा हो चुका है तो साइज को ना अपने आप इसे थोड़ा सा डिक्रीज इस तरीके से कर लीजिए, इसे अच्छे से आपको डिक्रीज करना है इस तरीके से इतना तक, इसे थोड़ा सा इसे इधर एडजस्टमेंट करते हैं, इधर थोड़ा सा इसे इस तरीके से आपको कर लेना है। तो काफ़ी कुछ है इसमें अट्रैक्टिव हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो ना आप बी वाला कलर आप मतलब चेंज कर सकते हो, तो मैं बी वाला कलर ऐसे इस तरीके से ना जैसे चेंज करके आपको बता देना हूँ यहाँ पे, जैसे बी वाला कलर को इस तरीके से कर लेता हूँ। तो देखिए ये भी हो चुका है, तो आप बहुत सारे कलर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देन आपको देखिए फिर से प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड आपको ना फ्रॉम गैलरी में जाकर एक आपको PNG में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो सबसे पहले उस PNG को मैं यहाँ पे लाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ये वाला PNG, चलो ये वाला PNG ले लेते हैं। जब आपको ओके पे क्लिक करके ना इसे सबसे पहले तो साइज को डिक्रीज कर देते हैं, चलो साइज को इस तरीके से डिक्रीज कर लेना आपको एंड यहाँ पे इसे अच्छे से ऊपर में एडजस्ट करना है, ये हो गया। एंड इसमें ना आपको इस पर टाइप करना है एंड इस पर आना है यहाँ पे इस वाले आइकन पे एंड आपको ना स्ट्रोक आपको स्ट्रोक को कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें थोड़ा सा साइडों पर जाकर साइडों को इनेबल इस तरीके से करना है, बस आपको साइडों ही डालना है, देन आपको कुछ करना नहीं है। फिर से आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड एक यहाँ पर ना आपको फोटो ले लेने होंगे, ये वाला है PNG टाइप का कुछ है, मेरा पिनट्रेस्ट वाले मैंने डाउनलोड कर रखा था पहले से ही, तो ये वाला वो है किधर है वो नीचे में होगा ये वाला एंड इस पे जाने के बाद तो आपको ओके पे क्लिक करना है। इसमें थोड़ा आपका जो बैकग्राउंड है आपका वाइट कलर है, वाइट कलर को ना आपको मतलब रिमूव करने के लिए आपको करना क्या होगा, इरेज कलर जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इरेज कलर, आपको इरेज कलर पे टाइप करना है, देन आपको इरेज कलर को इनेबल इस तरीके से कर देना है, देन आपको बाद सॉरी उसके बाद आपको बाद नहीं उसके बाद इसे इस तरीके से ऊपर में अच्छे से आपको एडजस्ट करना है, चाहो तो आप यहाँ पे ना इस तरीके से थोड़ा सा एंगल से इसे रोटेशन भी आप दे सकते हो इस तरीके से,
यहाँ पे नीचे में इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको देखिए ये हो गया एंड फिर से आपको प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड टेस्ट में जाना है, न्यू टेस्ट खोल करके नीचे लाना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे तो आपका जो मन यहाँ पे लिख, जैसे मैं माई वर्ल्ड लिख देते हैं, उस दिन आपको ओके पे क्लिक करना है। इसमें भी आपको सिंपल सा एक फॉन्ट यूज कर देना है, नॉर्मल साइज का फॉन्ट इसमें यूज करना है। आपको ओके पे क्लिक करना है, इसमें भी ना साइज को इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है। ये हो चुका है, साइज भी आपका हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करना है। आपको ओके पे क्लिक करके ना इसमें चलो ये वाला कलर ट्राई करते हैं, इसमें एक अलग से मैं कलर ट्राई कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर हो गया। देन आपको ओके पे क्लिक करना है, लेकिन इसमें आपको ना स्ट्रोक भी इनेबल करना है एंड आपको शैडो भी इनेबल करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, इसे अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए आप इस तरीके से। ये हो चुका है एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको ना इमोजी दे देना होंगे। जैसे मैं ये वाला इमोजी दे देता हूँ, ये वाला इमोजी वर्ल्ड का जो इमोजी है ये वाला आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसे अच्छे से एडजस्ट करना है ऊपर में। तो इसे आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। चलो इसे इस तरीके से ना आपको एडजस्ट करना है ये वाला इधर एंड इसे कॉपी करके इस साइड अच्छे से आपको एडजस्ट करना है। ये दोनों साइड हो गया। आप चाहो तो ना इसमें माय वर्ल्ड है, इसमें चाहो तो आप 3D शैडो भी इनेबल इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे 3D शैडो इनेबल इस तरीके से आपको कर देना है। ये भी हो गया एंड ये जो आपका इमोजी को आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन आपको फिर से प्लस के आइकन पे टैप करके ना टेस्ट में जाकर न्यू टेस्ट खोल करके नीचे लाकर यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, बस 2 से 3 आपको इमोजी यहाँ पे दे देना होंगे। जैसे ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला, चलो 3 इमोजी मैंने यहाँ पे दे रखा है। उस दिन आपको ओके पे क्लिक करना और इसमें थोड़ा सा साइज को इस तरीके से इंक्रीज कर लीजिए, ये सही है। देन आपको ओके पे क्लिक करके ना और इसमें तो एक फॉन्ट आपको यहाँ पे ट्राई करना, iOS 14 फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको इसे ट्राई कर लेना। देन आपको ओके पे क्लिक करना एंड इसमें ना आपको करना क्या है, 3D शैडो जो रहेगा, शैडो यहाँ पे देखिए शैडो है, आपको शैडो को इनेबल कर देना है एंड ब्लर रेडियस आपका 10 होगा, इसे आपको इस तरीके से पूरा 50 तक कर लेना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसमें आपको 3D शैडो भी इनेबल करना है एंड आपको रिफ्लेक्शन भी इस तरीके से इनेबल करना है। तो देखिए हो चुका है एंड PNG बनकर तैयार हो जाएगा। देन आपको इसके उसके बाद इस पर टैप करना है इस वाले आइकन पे एंड आपको ट्रांसपेरेंट का जो आइकन है ट्रांसपेरेंट के आइकन पे टैप करना है। तो काफ़ी इजी है, ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन पे जैसे ही टैप करोगे तो पीछे वाला जो बैकग्राउंड होगा पूरा क्लियर हो चुका होगा। देन आपको ऊपर में जो एक्सपोर्ट का जो आइकन, आपको एक्सपोर्ट के आइकन पर टैप करके सेव एज इमेज करना है। डायमेंशन आपका कस्टम होगा, इसे अल्ट्रा पे करके ना आपको सेव टू गैलरी कर लेना है, जो कि काफ़ी ईजी है। अब आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, टेलीग्राम पे नहीं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ मैंने एक XML फाइल दे रखा है, वो ये वाला XML फाइल है, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करके मैं बता देना हूँ। यहाँ पे 2 XML फाइल मैंने दे रखा है और क्या क्या नाम है दोनों XML फाइल का मैं बता दे रहा हूँ, बस 2 सेकंड। एक का नाम है न्यू ट्रेंडिंग रील्स XML एंड ये दूसरा हो गया आपका HDR इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या है, दोनों को सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना है एंड इंपोर्ट कर लेने के बाद देन आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। नीचे जो प्लस का आइकन है आपका प्रोजेक्ट प्लस का आइकन पर टैप करके ना आपको इस तरीके से रेशियो ले लेने होंगे 9:16 रेशियो, रिसोल्यूशन 1080 एंड बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखने हैं। देन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी ईजी है, आप देखते जाइए धीरे धीरे, आपको स्किप किए बिना वीडियो को देखना है ताकि वीडियो एडिटिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्लस के आइकन पर टैप करके मीडिया में जाकर जो आपने PNG क्रिएट किया था सबसे पहले ना उस PNG को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ये वाला PNG मैंने अभी क्रिएट किया था। देन आपको उसके बाद थोड़ा सा साइज को ना इस तरीके से डिक्रीज कर लीजिए। और इस बात को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब PNG आप क्रिएट करते हो तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गैप दिया करो, या इस साइड भी देखिए, इस साइड भी गैप थोड़ा दिया करो, ऊपर नीचे दोनों साइड इस तरीके से थोड़ा सा और भी गैप दे दिया करो इस तरीके से, तो थोड़ा गैप हो जाता है एंड जब वीडियो सेव यहाँ से जब वीडियो सेव होता है तो थोड़ा सा ना PNG का आप देखते होगे आप, मतलब कभी कभी, मतलब कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कभी कभी वीडियो जो ये वाला कॉर्नर भी यहाँ पे टच हो जाएगा एंड ये वाला कॉर्नर भी यहाँ पे टच हो जाएगा, तो उससे वीडियो थोड़ा भद्दा टाइप का लगता है, अच्छा मतलब देखने में नहीं लगता। इसलिए ना थोड़ा सा ना PNG को आप थोड़ा बहुत बीच में रखिए, इस साइड भी आपको प्लेस थोड़ा बहुत स्थान देना है, इस साइड भी थोड़ा बहुत आपको गैप देना है, इस तरीके से आपको करना है। देन आपको बैक जाना है एंड यहाँ पे आपको बैक जा करना जो XML फाइल ऊपर में था न्यू ट्रेंडिंग रील्स XML, आपको इस पर टैप करना है इस पर लेयर पे। देन आपको नीचे में जो इफेक्ट का जो आएगा ना, आपको इफेक्ट के आइकन पर टैप करके आपको इजीली 3 डॉट के आइकन पर टैप करके ना आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है।
और बस इसके बाद आपको बैक जाना है एंड आपने जो पीएनजी नहीं, आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उस पहले मतलब प्रोजेक्ट को ओपन करना है आपको। लेयर पर टैप करके ना इफेक्ट कुछ इस तरीके से आपको पेस्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको देखिए एचडीआर इफेक्ट यहाँ पे लगाने कैसे हैं। तो एचडीआर इफेक्ट लगाने के लिए आपको एचडीआर इफेक्ट वाले एक्सएमएल में जाना है एंड इसे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि 1 से 2 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको होल्ड करके रखना है, देन आपको इसके बाद दोनों लेयर को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए टू लेयर सिलेक्टेड, यहाँ पे आपको मतलब लिखा हुआ आ चुका है टू लेयर सिलेक्टेड। देन आपको इस वाले आइकन पर टैप करना है, इस वाले आइकन पर, यहाँ पे देखिए इस वाले आइकन पर टैप करने के बाद आपको कॉपी टू लेयर, यहाँ पे देखिए कॉपी टू लेयर, आपको कॉपी टू लेयर करना है। देन आपको बैक जाना है एंड न्यू प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है एंड आपको इस वाले आइकन पे टैप करके ना आपको पेस्ट टू लेयर कर देना है। आपको देखिए यहाँ पे 6 मिनट 6.54 सेकंड तक का मेरा क्या कहते हैं एचडीआर इफेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ना आपको पीएनजी को भी इस टाइमर का ऑप्शन पे टैप कर, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा जो आपका पीएनजी लेयर है, अगर आपको इस आप इस पर टैप करके ना अगर आप इस पर टैप कर दोगे तो आपको यहाँ पर ना वीडियो यहाँ पर प्ले होना बंद हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो आपका प्ले होगा और दिन उसके बाद आपको वीडियो प्ले होना बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो प्ले होना बंद हो जाएगा। तो आपको इस ये गलती आपको दोहराना नहीं है। आपको देखिए करना है क्या, पीएनजी के लेयर पे टैप करके ना आपको यहाँ पे जो टाइमर का जो ऑप्शन है टाइमर का ऑप्शन पे टैप करके इजीली आपको इस पर टैप कर देना है इस तरीके से। तो जो आपका जो इफेक्ट है जो पूरे वीडियो में इस तरीके से लगा हुआ आ चुकेगा। आपको देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये तो हो गया। आप करना क्या है, ये यहाँ पे एचडीआर इफेक्ट भी लग चुका है एंड एक्सएमएल फाइल में भी वो हमने इफेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। काफ़ी इजी है। आपको ऊपर में जो एक्सपोर्ट का जो आइकन है आपको एक्सपोर्ट के आइकन पे टाइप करके इजीली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। और तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल वाला आइकन है बेल वाले आइकन को आपको प्रेस करके पूरा नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल के एक और नई एडिटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।